पहले मुझे लगा कि फेक है, सबको ही लग रहा है स्क्रिप्टेड, ठीक है, बट फिर जैसा उसका रिएक्शन था क्रिस रॉक का, वो देख के पता लग गया कि इट वाज नॉट स्क्रिप्टेड. प्लस उसमें लिखा होता है कि प्रोड्यूसर्स ने कुछ ब्लीप, प्रोड्यूसर्स ने लाइव में ब्लीप आउट भी करे हैं वर्ड्स. उसने और भी थोड़ी गालियां दी थी, प्रोफेनिटीज दी थी, तो उन्होंने वो ब्लीप आउट करी हैं. वो तो समझ में आ रहा था, स्टे कीप माई वाइफ्स नेम फकिंग आउट ऑफ योर माउथ, ये उसने बोला था. उससे पहले भी उसने एक दो प्रोफेनिटीज बोली थी, वो ब्लीप आउट करी हैं ऐसा लिखा हुआ था प्रोड्यूसर्स ने. बाकी जितना मैंने पढ़ा है आई डोंट नो द रियलिटी. तो पहले मुझे लगा कि आई एडमायर्ड विल स्मिथ. मैंने कहा कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ बॉल्स एंड करेज कि अगर उसकी वाइफ की ऐसी कंडीशन है तो स्टैंडिंग अप फॉर योर फैमिली इन फ्रंट ऑफ द होल वर्ल्ड. आई गेट इट, देयर एक्टर्स वगैरह, बट स्टिल योर एस इज ऑन द लाइन एंड व्हाट वुड पीपल थिंक. तो बीइंग कम्प्लीटली वनरेबल एंड पंचिंग समवन, मतलब जाके, इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स, मतलब स्टैंडिंग अप. मैं पंचिंग की बात नहीं कर रही, वायलेंस इज नेवर द आंसर. एंड गिवन इन द पोजिशन कि अगर मैं उस चीज़ पर होती, मैं करूँगी नहीं करूँगी. लोगों को ऐसा सोचना चाहिए तुम करोगे ही नहीं करोगे वो चीज़, तो मैं नहीं करूँगी बिल्कुल भी. मैं खड़ी हो जाती कि आई वुड हैव लव्ड, मैं उसके बाद जाके बोलती डू नॉट डू दैट. या जैसे वो शाउट कर रहा था कीप योर फकिंग नेम, ही कुड हैव जस्ट सेड दैट डोंट मेक सच जोक्स, ऐसे भी करके वो बोल सकता था. बट खड़े होकर डायरेक्टली मारना जस्ट शोज कि उसकी कोई प्रोवोकिंग भी नहीं थी, कोई प्रोवोकेशन नहीं थी क्रिस रॉक की साइड से. अगर तू देखे, ही जस्ट सेड अ सिंपल चाहे जोक, काफी गंदा था जोक कैसे भी लेवल पे हो, पर जोक्स आर पर्सनल, ठीक है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते. और किसी की कंडीशन का मजाक उड़ाना पता लग सकता है कि लोग उसको सीरियसली ले सकते हैं. आधे लोगों ने इंटरनेट पे लिखा, मैंने बहुत लोगों के कमेंट पढ़े हैं साक्षी दी, आई ऑलवेज, हाँ नहीं, मोस्टली इट्स साइडेड बाय कि उसको नहीं मारना चाहिए था. 80% मतलब 90% एक्चुअली 90-95% यही है कि लोगों ने बोला बिल्कुल नहीं मारना चाहिए था. किसी ने भी मैंने विल स्मिथ की तारीफ करते हुए नहीं सुनी, सिवाय उसके बेटे के जिसने कॉमेंट डाल रखा था, एंड दैट्स हाउ वी डू इट. उसने ट्वीट कर रखा था उसके बेटे ने, जेडन स्मिथ ने, दैट्स हाउ वी डू इट कर गए. एंड एक दो और कुछ सेलिब्रिटीज ने बोल रखा होगा. जो कंडक्ट उसने डिस्प्ले किया जस्ट शोज की, एंड देन ही ब्लेम्स इट. मुझे वो भी पसंद नहीं आया कि जब वो अपोलोजाइज करने आया अपनी स्पीच पर, उसने क्रिस रॉक को अपोलोजाइज नहीं किया, सो देर वॉज नो रिमोर्स, ठीक है. ही फेल्ट दैट वट एवर ही डिड वॉज राइट, एंड बाद में करा. क्रिस रॉक को तो अपोलोजाइज ही नहीं करा उसने, अकेडमी को अपोलोजाइज करा है. लोगों के बाद में जितने लोगों ने ट्वीट कर रखा था उससे क्लिक हुई, लोगों ने लिखा था कि ही ब्लेम्ड इट ऑन लव, दैट लव विल मेक यू डू क्रेजी थिंग्स. तो लोगों ने सीरियसली लिखा था, कहते इतने बच्चे वगैरह देखते हैं, इतना वो देखते हैं, जो तुमने लव के नाम पे तुमने किसी को पंच कर दिया, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज आर यू सेंडिंग विच इज ट्रू. कि मतलब जस्ट बिकॉज यू लव समवन यू विल फकिंग किल समवन, यू विल रिजॉर्ट टू वायलेंस, विच इज नेवर द आंसर. इट्स अ बैड एग्जाम्पल, यू कांट जस्ट कीप पंचिंग पीपल. ऐसे तो हजार लोग तुम्हारी चीजों का मजाक उड़ाएंगे, मतलब कितना ईजी है इसको प्रोवोक करना. तूने ये देखा, समझ नहीं आया एक कॉमेंट, या तो उसको बार बार प्रोवोक कर रहा हो तो समझ में भी आए कि उसने मना कर दिया. एक जो कैन यू जस्ट went to the stage and he hit, and he punched someone. मतलब आपकी वो self control, आपका temperaments कितना low है life में. That it just shows that. ये तो वही बुद्धा वाली story हो गई कि लोग तुम्हें गालियाँ पे गालियाँ दे रहे हैं, तुम एकदम provoke हो गए, तुमने react कर दिया. It's all just reaction. It doesn't put a healthy message at all. इसमें जितनी तारीफ हुई है सिर्फ क्रिस रॉक की तारीफ हुई है. He had. भाई उसने कमाल चपेड़ पड़ने के बाद भी क्या कूल रखा है. ही हैंडल्ड इट लाइक अ चैंप. चार्जेस प्रेस करे कुछ भी नहीं, आसानी से कर सकता है, आसानी से. ही हैंडल्ड इट लाइक अ चैंप, लाइक अ फकिंग चैंप. मैं यही देख रही थी. और पता है क्या, मैंने वो केविन हार्ट वगैरह की मैंने वो पढ़ी हुई है, केविन हार्ट ने बुक वगैरह लिखी हुई है ना, मैं भूल गई बुक का नाम क्या था, अच्छी है वो. उसमें उसने ये बोला था केविन हार्ट ने कि एज अ कमेडियन जब ये लोग क्लब्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, यू आर वेरी वो यूज टू बूइंग वगैरह एंड लोग जैसे तुम्हें करते हैं. तो ही शोड अ ट्रू कमेडियंस वो कि अब क्या कहते हैं, tenacity and hustle and जितना ये लोग go through करते हैं. मतलब उसने proper वो stage पे display किया कि whatever people would throw at them, they would take it like a champ. इतना बड़ा star उसे थप्पड़ मार के आ गया and he took it like a champ.
नो डाउट अबाउट इट, उसने कुछ नहीं बोला, ही वाज ठीक है, लिमिट होनी चाहिए थी जॉब पे, वो नहीं पता नहीं उसे पता था, उसकी कंडीशन के बारे में नहीं पता था, सबको पता था अपोलेशिया के बारे में, बहुत बोल चुकी है अपोलेशिया जो भी है वो कंडीशन के बारे में सबको पता था, एंड ऑडियंस ने भी वो जोक वेल रिसीव नहीं किया था, अगर तुमने देखा होगा तभी वो बोलता है, तभी उसने बोला था, कहते ओ आई थॉट इट वाज अ गुड वन एंड देन ही वाज मूविंग ऑन। विल स्मिथ ने क्या किया, ये भी लोगों ने लिखा था, विल स्मिथ ने पहले वो हंसा नहीं, हाँ हंसा तो चल वो तो लोगों ने लिख रखा है कि उसने शी रोल्ड हर आईज, उसकी वाइफ ने, तभी इसने रिएक्ट किया, खैर वो सब मुझे नहीं पता या वो हंसा है जो भी है, बट विल स्मिथ ने इस चीज पर रिएक्ट करके उस जोक को और लोगों के दिमाग में डाल दिया, अदरवाइज पीपल वुड हैव फकिंग फॉरगॉटन या ऐसा कुछ भी है, तू ये देख रही है, उसने और एज्ड कर दिया लोगों के माइंड में। प्लस प्लस एक और चीज़ इसमें ये है, सबसे बड़ी चीज़ कि लोग उसको याद रखते हैं उसकी ऑस्कर विन के लिए, फाइनली विल स्मिथ ने ऑस्कर जीत लिया इतने टाइम से इंडस्ट्री में, इज फकिंग 53 है पता नहीं कितना, अब लोग किस लिए याद रखेंगे, द ऑस्कर वेयर ही पंच्ड क्रिस रॉक, इट जस्ट टेक्स वन मोमेंट, बोला था ना उसने स्टेज पे, डेंजल वॉशिंगटन ने बोला था दैट व्हेन यू आर एट द टॉप दैट्स व्हेन डेविल कम्स फॉर यू, ट्रू हो गया इसके केस में, अब लोग सिर्फ यही याद रखेंगे कि इसने पंच किया उसको, दे वोंट रिमेम्बर इज ऑस्कर विन या फिर मूवी जिसके लिए जीता है ये सब। इसके वही सबने लिखा होता है, इसके इस कांड ने सबको जो बाकी के अवार्ड से सबको ओवरशैडो करती है, हाँ, जो चाहे वो कोडा मूवी है, जो डेफ वाली जो मूवी है, जितनी जो लोगों को देखनी चाहिए, जिसपे लाइमलाइट आनी चाहिए, उसकी खुद की विन, छोड़ मूवी, उसकी खुद की विन, इतने टाइम बाद उसने अपना पहला ऑस्कर जीता है, उसकी खुद की विन चली गई, मुझे तो पता भी नहीं थी कोई किंग्स रिचर्ड कोई मूवी है जिसपे सेरिना और वीनस विलियम्स मैंने कभी सर्च करा के बाप पे है, मतलब मैंने इनकी वैसे थोड़ी सी स्टोरी पढ़ी हुई है बट मैंने को नहीं पता था कि मूवी वगैरह बनाई हुई है, मैंने किसी बुक में हल्का सा स्निपेट पढ़ा था बट दिस आई हैड नो क्लू, बट या ये इसमें काफ़ी चीज़ें थी, इसने अपना इसलिए कहते हैं कि कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है, एक मोमेंट आपको फॉरएवर I bet he would be regretting कि he acted. I bet my ass वो कर रहा होगा कि मैंने क्यों react किया उस time पे, अगर तुम control कर लो ना, because you have to still maintain, and वो भी कोई छोटा मोटा बाफ्ता भी चल बहुत बड़ा है, golden globes वगैरह, Oscar, top prime, मतलब जो awards का awards, creme de la creme, जो top है उस पे, मैं तुझे बोला I understand and I admire standing up for someone but violence is never the answer, आप स्टेज पे जाके आप उसको बोलते यार ऐसे जोक मत मारो, ये भी तो बोल सकता था, कमेडियन है विल स्मिथ, खुद भी कमेडियन है, ठीक है ना, खुद उसने कॉमेडी पिक्चरें वगैरह खूब कर रखी है, खुद भी स्टेज पे जाके ये बोल सकता था कि ऐसे जोक्स मत मारो, या जब चिल्ला रहा था स्टे कीप माई वाइफ्स नेम आउट ऑफ योर फकिंग माउथ, ये नॉर्मल भी कर सकता था, उसने कुछ उसको इतना प्रोवोक नहीं किया था, इसने बस अटेंशन ही ड्रॉ करी है अपने पे ज्यादा करके PR स्टंट या व्हाटएवर, ये तो वही बात हो गई कि जब कान्ये स्टेज पे कूद गया था एंड टेलर स्विफ्ट की विन पे उसने बोला था टेलर एम आई गोना लेट यू कंप्लीट बट आई थिंक बियॉन्से डिजर्व्ड द अवार्ड एंड बियॉन्से इज लाइक व्हाट द फक, मैंने तो बोला भी नहीं तुझे स्टेज पे कूदने के लिए, अपना बस करना है बीच में और इतना आना, अभी तो कहते रहा था कि विल स्मिथ पुल्ड कायने देखा है ना, मुझे पता भी नहीं था, हाँ इसने जानबूझ के, कोई जरूरत नहीं थी एक्चुअली, कोई जरूरत नहीं थी, You don't do that. That's not, and you have to understand how many people are watching. वो सबसे अच्छा पॉइंट तो मुझे वही लगा वायलेंस वाला जो मेरे दिमाग में आया भी नहीं था, लोगों ने लिखा था किसने बोला लव विल मेक यू डू क्रेजी थिंग्स, तो वट काइंड ऑफ मैसेज आर यू फकिंग सेंडिंग, पीपल 60 million पीपल आर फॉलोइंग यू ऑन इंस्टाग्राम, दे लुक अप टू यू, दिस इज द काइंड ऑफ मैसेज यू आर सेंडिंग कि डू वट एवर यू वॉन्ट इन द नेम ऑफ लव, तभी लोगों ने लिखा था इसलिए ज्यादा इतने डोमेस्टिक वायलेंस और अब्यूज वगैरह होते हैं, नो फकिंग वंडर, इसने अपनी जान को मुसीबत ही ली है, ये जान